आप मुझसे जो सवाल काम कर रहे हैं लोग ऑफिसर्स हैं बोलिए या जिस पद पे हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं कि चैनल पे क्या होने वाला है? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं और उम्मीदों पे हमेशा कलर्स खरी उतरी है।
और इस बार भी उतरेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, और मेरी शुभकामनाएं हैं और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ। अर्थात खूप काम केलंय मी आणि श्रुतीने ई टी व्ही चॅनल करता, खूप चांगला आमचा एक प्रवास राहिलेला आहे आणि त्या प्रवासामध्ये मला वाटतं सोने पे सुहागा वाली बात अशी आहे की कलर्स सारखं एक मोठं यु नो बिग विग इज नाव अ कोलॅबोरेटेड पार्ट विथ ई टी व्ही आणि अर्थात ते साजरा करण्याकरता आज आपण इथे आलेलो आहोत। सो इट्स अन अमेझिंग, आय थिंक मराठी इज गेटिंग बिगर अँड बिगर गाईज, इट्स अन अमेझिंग स्टार्ट फॉर द न्यू इयर। सगळ्यात तुम्हाला सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज मी ठरवलं की दरवर्षी आपण 31 रात्री खूप धमाल करतो, आज रात्री आम्ही खूप धमाल करणार आहे, कारण आज आपल्या खऱ्या अर्थाने न्यू इयर्स आहे आणि त्यात सोने पे सुहागा म्हणजे ई टी व्ही आता कलर्स होतोय, कलर्स मराठी होतोय। आय थिंक इट इज रिअली बिग, इट इज लुकिंग व्हेरी बिग, खूप मस्त दिसतंय अँड आय हॅपी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थँक्यू सो मच। काय रंगण साजनवा आणि रंगनवा, साजनवा आणि रंगनवा। थँक यू फिल्म आय नो। हिंदी मध्ये हवंय बर। कलर्स नया नहीं है, इसमें नई बात यह है कि ई टी वी मराठी जो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग चैनल था, मराठी में वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, उसका और कलर्स का जो वो भी अपने आप में एक हिंदी में नंबर वन चैनल है, तो आई थिंक टू बिग विग्स इन टू लैंग्वेजेस आर कमिंग इन टुगेदर एंड नाउ इट इज कलर्स मराठी। तो ऑब्वियसली नए साल की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे कोलैबोरेशन के साथ हो रही है एंड वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ई टी वी मराठी एंड नाउ दैट एसोसिएशन विल टेक अस अहेड विद कलर्स, सो इट्स अमेजिंग। इसने ऑलमोस्ट सब एक्चुअली कह दिया है, मुझे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद ई टी वी एंड नाउ विद कलर्स ऑल्सो। तो बहुत खुशी की बात है कि कलर्स और ई टी वी साथ में आ रहा है और इट्स लुकिंग बिगर, इट्स लुकिंग बेटर एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मुझे एक बात कहनी है, देखिए हम जब मराठी कलाकार कलर्स को देखते हैं तो कलर्स के कुछ बहुत ही खास कार्यक्रम होते हैं जैसे कि बिग बॉस, तो अब मैं चाहूंगी कि बिग बॉस मराठी में भी बिग बॉस उसमें भी प्लीज सलमान को लाओ, प्लीज सलमान को लाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, नहीं वही चाहिए वही चाहिए। नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं टीवी सीरियल ज्यादा नहीं देखती, टाइम भी नहीं मिलता और पसंद भी नहीं है। मैं नहीं देखती हूँ पर अभी फिलहाल जरा थोड़ी बीमार थी तब बेड रेस्ट था तब बहुत सीरियल देखती हूँ। हाँ आप इनको पूछे, मैं देखती नहीं हूँ। सारी अच्छे हैं, मतलब ऑल आर गुड, ऑल आर वर्किंग इन देयर ओन वे, सब अच्छे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महाराष्ट्र में रहते हैं आप? चुप लो बोल लो मी सर। मराठी कलर मराठी सुरू होत आहे आणि कलर्स जेव्हा हिंदी सुरू झालं होतं, अच्छा कलर्स मराठी सुरू होने जा रहा है और बड़ी जोरों शोरों के साथ आज का ये दिन मनाया जा रहा है। कल गुड़ी पाड़वा है, मराठी लोगों का नव वर्ष है और इसी अवसर पर कलर्स मराठी, जिस तरह से कलर शुरू हुआ था हिंदी चैनल तो अपने नए नए कार्यक्रमों के साथ उन्होंने शुरुआत की और एक आशा की किरण नजर आई सबको।
अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा कलर्स ने हमेशा, और उसी तरह ये कलर्स जो कलर्स मराठी है वो भी नई नई चीजें लेके अपने सामने आने वाला है ऐसा मुझे पता चला है। मेरे नजदीकी कुछ लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही लगन के साथ कुछ नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं एक सीनियर सदस्य होने के नाते अपना प्यार अपनी शुभकामनाएं यहां देने यहां हाजिर हुआ हूं प्रत्यक्ष। क्योंकि हिंदी में तो कलर्स ने बहुत धूम मचाई और अब हम चाहते हैं कि मराठी में भी वो धूम मचाएं। मैडम कलर्स के अंदर आपको कौन सा ऐसा सीरियल या मतलब रियलिटी शो अच्छा लगा कि आप चाहेंगे कि मराठी के अंदर भी वो शो आए? खतरों के खिलाड़ी वैसे तो झुंझ नाम का शो आया था, खतरों के खिलाड़ी झुंझ नाम का शो आया था मराठी में भी खतरों के खिलाड़ी टाइप का, लेकिन मुझे खतरों के खिलाड़ी बहुत पसंद है कलर्स पे। और दूसरी बात मुझे उनके कुछ सीरियल्स भी पसंद आते हैं पर ऑफ कोर्स वो रूपांतर शायद मराठी में ना हो पाए। मैडम अगर जो आपको जज बनने का मौका दिया जाए तो आप किस मतलब सीरियल के अंदर जज बनना चाहेंगे जो रियलिटी शो बिग बॉस का सबसे अच्छा लगता हो? पर उस पे कोई जज होता ही नहीं है। रियलिटी शो तो होते हैं ना जैसे खतरों के खिलाड़ी हो गए, आईडी वगैरह आते हैं। हां मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट आता है कलर्स पे, लेकिन मैं ना थोड़ी सी ज्यादा भावुक हूँ इसलिए मैं जब लोगों की बहुत दुख भरी कहानियाँ देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, इसलिए मैंने चूज किया कि कॉमेडी की बुलेट ट्रेन में मैं जज हूँ ताकि मैं बहुत बहुत हंस सकूँ। एक हिंदी फिल्म कर रही हूँ मैं एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ और ये शो चल रहा है और डिज्नी चैनल पे कभी ऐसे गीत गाया करो चल रहा है। थैंक यू। साज नवा रंग नवा कलर्स मराठी सुरू होता आहे आणि मला असं वाटतं की कलावंतांसाठी आणखीन एक कलरफुल असं दालन खुलं होत आहे। खूप आनंदाचा क्षण आहे कारण प्रत्येक जण उत्तम सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि यातून कलावंत दिग्दर्शक तंत्रज्ञ निर्माते आणि हो मायबाप रसिक हो सगळ्यांसाठी खूप काही मनोरंजनाचा खजिना खुला होतो आहे तेव्हा खूप आनंदाचा क्षण आहे आम्हा कलावंतांसाठी। कलर्स मराठीच्या माध्यमातून देखील आदेश बांदेकर एक भाविक साज घालताना दिसला काय आहे? मी एवढंच म्हणेन की सगळ्यांच्या घरात आनंदाचे रंग पसरू दे आणि मला तशी भावनिक साज घालण्याची संधी जर कलर्स मराठीने दिली तर ती स्वीकारायला मी सज्ज आहे कारण आलेलं आव्हान स्वीकारायचं हे पहिल्यापासून ठरवलेलं आहे त्यामुळे बघू आत्ता तरी काही बोलत नाही पण ब्रेक के बाद एवढंच म्हणतो। आणि ऑनेस्टली दोन शोज येत आहेत आणि त्यांच्यात काहीच कॉम्पिटिशन नाही, इनफॅक्ट दोन्ही शोज छान व्हावेत आणि लोकांनी खूप छान मनापासून ॲक्सेप्ट करावं त्यामुळे आम्हाला आम्ही खूप मेहनत घेतोय आणि इट्स अ व्हेरी वॉर्म बिगिनिंग फॉर अस। माझा शो आमचा शो सखी आमचा शो माझा होशील का आणि तू म्हणाली तसं आमचं कॉम्पिटिशन लेवल असं काही नाही आहे, इनफॅक्ट आमचं पर्सनल लेवलला खूप चांगलं बॉन्डिंग झालं आमचं सगळ्यांचं, खूप छान आहेत दोघे, खूप छान आहे। आणि बेसिकली हे दोन शोज एक दुसऱ्यांना सप्लिमेंट आणि कॉम्प्लिमेंट करण्यासाठीच लॉन्च होत आहे, सो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन बिकॉज दे आर हेडिंग अ डिफरंट जॉनर, वी आर हेडिंग अ डिफरंट जॉनर, सो इट्स अ व्हेरी हेल्दी थिंग टू बी टुगेदर आणि आम्हाला खूप मजा येते करताना। म्हणजे प्रेमाच्या दोन वेगळ्या बाजू बघायला मिळणार होत्या, एक खूप छान असं फुलणारं आणि असं प्रेम आहे आणि एक खूप छान मॅच्युअर असं प्रेम आहे आणि कलर्स मराठी हा खूप वेगळा असा कंटेंट घेऊन सगळ्यांसमोर येतो आणि आम्हाला खूप एक्साइटमेंट आहे बेसिकली कारण आपला पहिला शो आणि चॅनलचं लॉन्च ही खूप अपॉर्च्युनिटी खूप कमी जणांना मिळते, सो दॅट
इट्स अमेझिंग थिंग. आमच्यासाठी आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत. हा एक प्रेमळ योगायोग म्हणा. ऍक्च्युअली तुम्ही याला एक नवीन सुरुवात म्हणू शकता. साज नवा आहे आणि रंग पण नवा आहे, म्हणून ही एक नवीन सुरुवात आहे आणि एका नवीन थीमने हे चाललंय सगळं. त्यामुळे या इट्स अ स्ट्रॅटेजी. अपेक्षा करूया आपण आणि नक्कीच बघायला मिळेल ते नवीन आणि नवीन रंग बघायला मिळतील आणि लोकांना नवीन काही सब्जेक्ट बघायला मिळतील असं आपण एक्सपेक्ट करूया. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला आमची नवीन सिरियल सुरू होते कलर्स मराठीवरती. सगळ्यात आधी सगळ्या प्रेक्षकांना पाडव्याच्या शुभेच्छा आणि आमची सिरियल बघा आणि आम्हाला आशीर्वाद द्या तुमचे. बहुत बहुत मुबारक हो कलर्स की टीम को और वाईकॉम की टीम को. और जिस तरह उन्होंने कलर्स हिंदी में अपना अपने आप को मजबूत किया है और वन ऑफ द टॉप चैनल्स इट हैज बिकम, उसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि मराठी में भी इट विल बी द टॉप मोस्ट चैनल. ऑल द बेस्ट. हाँ, मुझे लगता है हमारी मराठी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अभिमान की बात है कि इतना बड़ा जो ग्रुप है, इतना बड़ा जो चैनल है, वो अब मराठी चैनल के रूप में नए रूप में चैनल लॉन्च कर रहा है. तो आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द मराठी इंडस्ट्री. और जैसा मैंने कहा है, हम सब के लिए गर्व की बात है. इससे एक तो और मराठी इंडस्ट्री आजकल जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीवी सीरियल्स आने से मराठी इंडस्ट्री, मतलब जैसा हम कहते हैं कि दो दूरी राज चौगुनी तरक्की कर रही है, तो कलर्स मराठी आने से इसमें और चार चांद लग जाएंगे. इसके बारे में मुझे अच्छे प्रोग्राम दें तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती. आई एम रियली हैप्पी. ऑल माय बेस्ट विशेस टू कलर्स. थैंक यू. शायद देखते हैं अभी कुछ अच्छा प्रपोजल आएगा ऐसा लग रहा है. कुछ आएगा तो डेफिनेटली करूंगा. सर, आपको कलर्स चैनल के अंदर कौन सा सीरियल ऐसा अच्छा लगता है जो आप चाहेंगे कि मराठी के अंदर आए? कपिल का शो जो है ऑसम, तो ऐसा कुछ अगर आ जाए तो डेफिनेटली आई लव दैट. हमारे यहाँ तो जैसे पारंपरिक महाराष्ट्रीयन फैमिली जैसे मनाती है वैसे हम लोग मनाते हैं. कल हम लोग वो गुड़ी जो काठी होती है वो लगाएंगे, उस पर वो छोटा सा जो हम उसको तांब्या बोलते हैं पॉट, वो लगाएंगे, कुछ कपड़ा वपड़ा लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे और दैट्स ऑल. थैंक यू. मराठी माझ्याकडून गुढीपाडव्यानिमित्त सगळ्या मराठी दर्शकांना हार्दिक शुभेच्छा. गुढीपाडव्यानिमित्त माझ्याकडून सगळ्या मराठी प्रेक्षकांना आणि सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुढीपाडवा की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद.
चा या वर्षी आता सुरू होत असेल. देर आर गुड प्रोग्राम. आता फक्त मला असं वाटतं की दोन खरं खूप एकमेकांना अटीतटीला राहिलेले चॅनल्स राहिले ना इट विल रिअली हेल्प. क्वालिटी पण सुधारते. डेफिनेटली वी आर ऑन आवर टोज टू डिलिव्हर द बेस्ट. आणि इन जनरल इट विल हेल्प द होल इंडस्ट्री. उद्या आता आपलं पाडवा जो आहे त्याच्याबद्दल तुमच्या काही संकल्पना वगैरे आहेत का नवीन काही? मी काही संकल्पना नाही. मी कधीच पाडव्याला मी असं करेन तसं करेन म्हणत नाही. मला वाटतं फॉर मी एव्हरी डे द न्यू इयर. पाडवा डेफिनेटली ट्रेडिशन म्हणून मी गुढी उभारतो. माझे ट्रेडिशन मी फॉलो करतो. माझं कल्चर मी फॉलो करतो. पण मला असं वाटतं की त्या दिवशी एक नवीन पिक्चरची जाहिरात द्या किंवा सिनेमा नाटकाची जाहिरात द्या असं मी कधीच करत नाही. कारण मला वाटतं आय थिंक एव्हरी डे इज फॉर मी अन इम्पॉर्टंट. प्रेक्षकांना शुभेच्छा. धन्यवाद. नक्कीच म्हणजे नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा द्यायलाच पाहिजे. वर्ष सुखाचं समृद्धीचं भरभराटीचं जाऊ. पण मला वाटतं एव्हरी डे यू शूड फील द न्यू इयर. वाय वन इयर? ते प्रत्येक वर्ष तुमचं सुखाचं समाधानाचं आणि यशस्वी जावं. धन्यवाद. गुढी पाडवा की हार्दिक शुभेच्छा. आपका ये नववर्ष अच्छा जाए. बहुत खुशी का जाए. बहुत बहुत ही सुपर. थैंक यू सर.